दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा $189 का बैलेंस। ये जो मैंने अर्न किए हैं अपने ब्लॉग से अर्न किए हैं, वो भी सिर्फ दो दिन के अंदर बिना कुछ किए। बिना कुछ किए का मतलब एकदम कम एफर्ट में। और आप भी कैसे इसको कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है, सिर्फ आपके पास ब्लॉग है और ट्रैफिक आ रहा है उस ब्लॉग पे, तो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं बिना कुछ किए, यानी कि बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा गेस्ट पोस्ट कॉन्सेप्ट की। कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मैंने बहुत पहले बताया भी था कि ब्लॉग से इनकम करने का एक और तरीका होता है, लाइक गूगल एडसेंस एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा भी जो तरीका होता है वो होता है गेस्ट पोस्ट। यानी कि किसी और ब्रांड या फिर किसी और वेबसाइट का पोस्ट हम अपने ब्लॉग पर पोस्ट करते हैं तो उससे हम पैसे चार्ज करते हैं। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट से फ्लाई आउट के थ्रू हमें गेस्ट पोस्ट मिलेंगे जो हमें अपने ब्लॉग पे पोस्ट करने हैं, और फ्लाई आउट के डैशबोर्ड में हमें वो पैसे दिख जाएंगे और ये पैसे हमारे अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये जो $189 जो बैलेंस आपको दिख रहा है, सिर्फ मैंने 3 पोस्ट पब्लिश करके ये मैंने अर्न किया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप जाएंगे satishkushwaha.com पे तो जो यहाँ पे पहला आर्टिकल दिख रहा है, तो ये जो पोस्ट है एक गेस्ट पोस्ट है। आप इसमें देख सकते हो उनका, जिन्होंने भी एक गेस्ट पोस्ट किया है मेरे साइट पे, लाइक उन्होंने भेजा है, तो उनका एक लिंक होगा, एक या दो लिंक होगा, डू फॉलो लिंक होता है वो, उसी का तो पैसा लगता है। तो इसके मुझे मिले हैं $50। मेरा एक दूसरा ब्लॉग है जहाँ पर मुझे मिलते हैं $100 से $150 के बीच में। तो आपके ब्लॉग के ट्रैफिक के हिसाब से, ब्लॉग की DAPA के हिसाब से, ब्लॉग कितना पुराना है उसकी क्वालिटी कंटेंट के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जब जाएंगे ब्लॉग्स में फ्लाई आउट के डैशबोर्ड में, मैं पूरा बताऊँगा कि साइनअप कैसे करना है, कैसे ऐड करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि एक आपको पता चल जाए कि कैसे पैसे मिलते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा पुराना ब्लॉग है टेक युक्ति, उसका जो प्राइस है यानी कि $100 मुझे मिलेंगे एक गेस्ट पोस्ट के, और सतीश कुशवाहा पे मिलेंगे मुझे $50। तो ऐसा इसलिए है कि satishkushwaha.com पे ट्रैफिक कम है। वहीं अगर आपका ब्लॉग इंग्लिश में है और काफ़ी क्वालिटी ब्लॉग है तो उस पर $100 ईजिली आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग को फ्लाई आउट में ऐड करेंगे और कैसे आपको गेस्ट पोस्ट करने को मिलेंगे और आप उससे पैसे बनाओगे। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको सिंपली आपको लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे साइन अप नाउ का बटन है, साइन अप करना है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे ये आपको पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपको अपना ब्लॉग डालना है। तो मेरा एक और ब्लॉग है, मैं उसको आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर साइन अप कर रहा हूँ उस ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी मैं देखूँगा, तो एलिजिबल है, ऐड हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको वेरीफाई करना है अपना ओनरशिप। जैसे हम सर्च कंसोल में जब कोई वेबसाइट ऐड करते हैं तो उसका ओनरशिप वेरीफाई करना पड़ता है। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपको ये मेटा टैग को कॉपी करना है और आपके ब्लॉग में जाना है। आप अपने ब्लॉग में जाओ, ब्लॉग जो भी आपने वर्डप्रेस पे बनाया होगा वहाँ पर जाओ, और अपीयरेंस में जाओ, उसके बाद थीम एडिटर, ठीक है। अपीयरेंस में जाने के बाद थीम एडिटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हेड के अंदर इस मेटा टैग को पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ थीम हेडर, और हेड के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको अपना कैश भी क्लियर करना है, ताकि कैश क्लियर करने से क्या होता है, ये चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, कभी कभी चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पर अपना कैश भी क्लियर कर लूँगा। एक बार ही आपको ये प्रोसेस करना है, उसके बाद पूरा आसान हो जाएगा। तो ठीक है, कैश क्लियर हो गया। अब वहाँ पर फ्लाई आउट के वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करते ही यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और फिर नेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर कैटेगरी क्या है आपके ब्लॉग की, तो मेरे ब्लॉग की जो कैटेगरी है एजुकेशन, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ जॉब्स एंड करियर, काफ़ी मतलब मल्टी निश ब्लॉग है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, और साथ ही साथ यहाँ पर प्राइस पर पोस्ट, आप कितना चार्ज करोगे गेस्ट पोस्ट के लिए, यहाँ पर आप अपना एंटर कर सकते हो। वैसे जब आप एंटर करोगे तो इनका जो एल्गोरिथम है आपके ब्लॉग के ट्रैफिक के हिसाब से यहाँ पर बता देगा कि कितना एलिजिबल है, लाइक कितना आपको मिलेगा, ऑफ़र कितना हो सकता है आपके लिए। तो मैं यहाँ पर $50 एंटर करता हूँ,
तो यहाँ पर लिख के आ रहा है वी हैव एनालाइज्ड योर ब्लॉग एंड द मैक्सिमम प्राइस पर पोस्ट वी कैन ऑफर यू इज $15। तो यहाँ पर $15 ही मैक्सिमम मुझे मिल सकता है, तो मैं 15 यहाँ पर एंटर करूँगा। आपके ब्लॉग के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे मेरे सतीश कुशवाहा वाले ब्लॉग के लिए मिला था $50, टेक युक्ति के लिए मिला था $100, क्योंकि उन पे ट्रैफिक ज़्यादा है और इस साइट पर ट्रैफिक कम है, इसीलिए $15 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भरना है, ठीक है, और साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप होने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा आपके ईमेल पर, वहाँ से आपको वेरीफाई कर देना है, उसके बाद आपको लॉग इन करना है। तो मैं लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लॉग इन करना है। अब मैं लॉग इन करने के बाद आपके पास एक ऐसा ही डैशबोर्ड आएगा, और जो मैं नया अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं उस ब्लॉग को क्या करूँगा ना, इसी में ऐड कर देता हूँ आगे का प्रोसेस समझाने के लिए, अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्टली मैं वेरीफाई कर देता हूँ, मैं नया अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, बट आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, और सेम वही प्रोसेस है जैसे मैंने वहाँ पे ऐड किया था एजुकेशन और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और क्या मैंने एक ऐड किया था जॉब्स एंड करियर। तो कोई तीन आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर यहाँ पे मेरे को वापस डालने को बोल रहा है, मैं नंबर डाल लेता हूँ, और अपना प्राइसिंग जैसा कि मैंने बताया $15 से ज़्यादा होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। अब आपने तो इतना कर लिया है, जैसे आप डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, जैसे डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, ऐसा डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो आपको आना है ब्लॉग्स वाले सेक्शन में। ब्लॉग्स वाले सेक्शन में आने के बाद जो आपको ये पहला मेरा दिख रहा है, आपको यहाँ पर स्टेटस जो है ना पेंडिंग दिख रहा होगा, तो अब इसको पेंडिंग को अप्रूव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेरीफाई जीए बोले तो गूगल एनालिटिक्स आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक एक्सेस देना है, वो एक्सेस बिल्कुल सेफ है, टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्लाई आउट इंडियन कंपनी है, मैं आपको बताऊंगा। इसको आपको कॉपी करना है और अपने गूगल एनालिटिक्स में जाना है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में जाना है, जहाँ पर भी आपने अपने ब्लॉग का एनालिटिक्स लिंक किया हुआ है उसमें जाना है। तो आपको यहाँ पर जाना है, एडमिन पे जाना है। एडमिन में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूजर मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो वहाँ पे हमने कॉपी किया था ना, कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लस का आइकॉन आ रहा है, यहाँ पर ऐड यूजर्स क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही टिक मार्क करना है, ध्यान रहे, तो वो टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ रीड एंड एनालाइज पे टिक करना है, जो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर क्लिक कर देना है, ऐड पर क्लिक कर देना है, और फिर वापस आना है आपको फ्लाई आउट के डैशबोर्ड में, यहाँ पर वैलिडेट एनालिटिक्स पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीए वेरीफाइड हो गया है। अब ये जो स्टेटस पेंडिंग है, अब फ्लाई आउट के टीम के जो भी लोग होंगे वो इसको रिव्यू करेंगे आपके साइट को, अगर आपका साइट गेस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो इसको अप्रूव कर देंगे, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो अप्रूव होने के चांसेज किस बेस पर डिपेंड करते हैं, लाइक किस आधार पर अप्रूवल मिलने के चांसेज ज़्यादा हैं, आपका ब्लॉग जो है ब्लॉगर पर नहीं होना चाहिए, कोशिश करें कि आपने वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाया हो और एटलीस्ट 6 मंथ पुराना ब्लॉग हो, और ट्रैफिक की बात करें तो मंथली ट्रैफिक 5,000 से लेकर 10,000 के अराउंड होना चाहिए, तो आपको अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। और साथ ही साथ कम से कम 100 क्वालिटी आर्टिकल्स होने चाहिए आपके ब्लॉग पे, तो इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। अगर 100 नहीं भी है, 50 से ऊपर है, क्वालिटी आर्टिकल है और ट्रैफिक अच्छा है, तो मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद क्या करना है, जो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू ऑफर्स में जाएंगे और आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे आपके ईमेल पर, जो भी आपने ईमेल दिया होगा, जिस ईमेल से आपने साइनअप किया होगा, उस ईमेल पर जैसे ही कोई गेस्ट पोस्ट के लिए ऑफर आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, न्यू ऑफर पर जाना है और यहाँ पर आपको एक आर्टिकल दिखेगा, आर्टिकल का टाइटल दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और पूरा का पूरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा, उसको कॉपी करना है और पोस्ट कर देना है, जैसे मैंने अपने सतीश कुशवाहा पे मैंने पोस्ट किया है, satishkushwaha.com पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने पोस्ट किया है, वहाँ पर इमेज वगैरह भी देंगे, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कॉपी और पेस्ट कर देना है, बाकी आप अलाइनमेंट वगैरह चाहें तो कर सकते हैं, हेडिंग्स वगैरह, वैसे उसमें प्रॉपर हर चीज़ करके दिया जाता है। और जैसे ही आप पब्लिश कर देंगे, तो पब्लिश करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है, ओके करने के बाद आपके डैशबोर्ड में जो भी आपका ऑफर रहेगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा बैलेंस के तौर पे। और ये जैसे कि मान लीजिए $189 जो मेरे डैशबोर्ड में शो हो रहा है, ये मुझे मिलेगा
जैसे मान लीजिए ये महीना चल रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर महीना चल रहा है तो मुझे नवंबर के 12 से लेके 14 तारीख के बीच में ये पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट में लाने के लिए यहाँ पर पेआउट्स पे क्लिक करना है। पेआउट्स पे जाइए और यहाँ पर ट्रांसफ़र प्रेफरेंसेस में आपको अपना अकाउंट नंबर ऐड करना है। फिर जैसे ही ऑटोमेटिक पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा जैसे ही, और यहाँ पर मिनिमम पेआउट का कुछ लोचा नहीं है। अगर $15 भी आपके बन रहे हैं, $25 भी बन रहे हैं, तो वो आपके अकाउंट में सीधा आ जाएंगे। दोस्तों एक काम तो मैं ऑलरेडी 2-3 सालों से करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे इस टूल के बारे में अब पता चला है, फ्लाई आउट के बारे में मुझे अब पता चला है। इसके पहले मैं क्या करता था, मुझे मेल आता था और मेल आता था कि हम आपके ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट करना चाहते हैं, कितने चार्ज करते हो आप, कितना पैसा लेते हो। तो मैंने बताया कि मैं इतना पैसा लेता हूँ, तो उन वहाँ पर थोड़ा निगोशिएशन होता है, उसके बाद से फिर वो मुझे आर्टिकल भेजते हैं और मैं अपने उस पर पोस्ट करने के बाद इनवॉइस रेज करता हूँ, यानी कि उनको मैं एक बिल भेजता हूँ, वो लोग उसको पे कर देते हैं और फिर वो चीज़ें पब्लिश हो जाती हैं हमारे ब्लॉग पर। तो बिना कुछ किए आपको इतना एडिशनल इनकम होगा, तो इस बात पर गाइस लाइक बनना चाहिए, ठीक है। और जितने लोगों ने अभी तक ब्लॉग नहीं बनाया है और ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बना के रखा है, तो आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी आप फ्लाई आउट पे साइन अप कर सकते हो, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इंडियन कंपनी है भाई, तो साइन अप करो, नीचे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप साइन अप करो और पैसे छापो। एक और बात, जैसे ही मुझे इस बैलेंस का जैसे ही मुझे इसका पैसा पे आउट होता है मेरे अकाउंट में, तो मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम पे उसको दिखा दूँगा। तो आपने अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है @satish के वीडियोज़, तो आप फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग मिस कर दोगे अगर आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो कर लो। और नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर में जैसे ही इसका आएगा पेमेंट, मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा, ज़रा सा भी एक अलग लगा, एक क्या बोलते हैं एडिशनल इनकम के लिए अच्छा लगा, बढ़िया तरीका आपको लगा, तो इस बात के लिए लाइक होना चाहिए, शेयर भी कर सकते हैं। और जितने लोग नए इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।